नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। आप वेदर रिपोर्ट में आपका स्वागत है। भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन लोगों को ऐसी ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सोमवार से कुछ राहत मिलने की उम्मीद भी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में 1 मई तक लू का प्रभाव और भी बढ़ेगा। इस वजह से पंजाब के कई जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं 2 और 3 मई को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इसी की वजह से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 1-2 स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड में गर्मी से बेहाल करने वाली है, मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल राहत के आसार अभी नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया गया है। इस दौरान मैदानों में तेज हवा चलने की आशंका भी है। साथ ही उत्तर भारत को झुलसाती गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। शुक्रवार को सबसे ज्यादा तापमान उत्तर प्रदेश के बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं प्रयागराज में 46.8 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे स्थान पर यह रहा। तो राजधानी दिल्ली का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। बता दें, राजस्थान के श्रीगंगानगर का तापमान भी 46.4 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने शनिवार को दिल्ली के कई हिस्सों में भीषण लू की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि गर्मी से बचाव के लिए तैयार रहें। दिल्ली के बे स्टेशन सफदरजंग बेगशाला ने लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। ये 12 साल में अप्रैल में एक दिन का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान है। दिल्ली कोर हीट वेव जोन में आता है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ व बंगाल शामिल है। हीट वेव में बच्चों, बुजुर्गों के साथ उन लोगों के लिए ज्यादा खतरा होता है जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित है। वहीं IMD ने सलाह दी है कि लंबे समय तक धूप में रहने और भारी काम करने से बचे। तो मौसम अपडेट में अभी बस इतना ही। और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।